लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भण भाइयों मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल खड़े हैं हम शनि शक्ति धाम सीसवाल में और आज पूर्णवासी का दिन है, नई साल की पहली पूर्णवासी आज 6 जनवरी को आज ही एक मिनट। और फिलहाल सुंदरकांड का पाठ समाप्त हुआ है, अभी आरती होने जा रही है और ये जितनी जनता आई है ये हॉल पूरा भरा है, श्री राम दरबार पूरा भरा हुआ है। इन सब से बाप की बातें करवाऊंगा कि कितनी सच्चाई है शनि शक्ति धाम में, क्या ताकत है, क्या यहाँ पर लोगों के काम बनते हैं, क्या यहाँ पर अरदास सच्ची है, यहाँ पर लगाई गई अर्जी क्या पूर्ण होती है। ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनके काम पूर्ण हुए हैं, सभी से आपकी बातें कराऊंगा। इधर महंत जगदीप जी बैठे हैं आसन के ऊपर, सुंदरकांड का पाठ अभी भी हुआ है श्री राम दरबार के अंदर और अभी आरती होगी, उसके बाद अरदास और आपको पूरा पूरा प्रोग्राम मैं दिखाऊंगा। और हर उन बंदों से एक बात करवाऊंगा जिन्होंने यहाँ पर अर्जी लगाई और उस अर्जी का समाधान हुआ और तुरंत कहते हैं 3 शनिवार और 1 पूर्णिमा को आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये पूरी जनता कह रही है, भगत जी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, हम तो भाई माध्यम है, जनता की बातें आप तक पहुंचाते हैं, जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचे, सच्ची पहुंचे, झूठ का कोई लवालेस न हो, बस यही मेरा प्रयास रहता है। आप लोगों के संकट दूर हो, दुख दर्द दूर हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के कह लिए, मैं अपने स्वार्थ के लिए फिरता हूँ भाई, शायद मेरा भी कुछ जन्म सुधर जाए, मेरे भी कुछ पाप कट जाए, तो इसलिए मैं आता हूँ हमेशा उन धामों पे जाता हूँ जहाँ पर जनता के कष्ट दूर होते हैं। तो अभी आरती शुरू होने जा रही है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, देखते रहिए। तो भाई फिलहाल खड़े हैं हमें शनि शक्ति धाम में और ये श्री राम दरबार में और इधर महन जी बैठे हैं, झाड़ा लगाने जा रहे हैं, अरदास लगाई है और ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनके 3 शनिवारों में और पिछली पूर्णवासी को इनकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है और के पूर्ण हुई है, ये सारी बात आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, सारी पूछांगे अभी। सब तो पहले तो भाई खड़ा है उर्त, शुरुआत कर दू मैं एक बार। राम राम भाई, आगे ना जा थोड़ा, कहाँ से? भिवानी से। भिवानी से, के नाम है? नवीन। नवीन, तो के मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? जी मेरी सिस्टर एम्स रायपुर में सिलेक्ट हुई है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा जी, हाँ जी, यहाँ अरदास लगाई गई थी? बिल्कुल, अच्छा। यहाँ अरदास लगाई थी अगस्त में, तो नवम्बर में उसकी ज्वाइनिंग हुई है सर और अब एक महीना हो गया। सिस्टर आई है क्या आपके साथ? नहीं, आज ड्यूटी पे है सर वो। ड्यूटी पे? हाँ जी। अच्छा, तो आज मिठाई का डब्बा लेके आए? बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी खुवाइए कि भूल जाए? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम। राम राम। के नाम है? दीपक। कहाँ से हैं आप? सरखी दादरी, तिवाड़ा गाँव। सरखी दागन हो जाए थोड़ा, सरखी दादरी से? हाँ जी। तिवाड़ा जी? अच्छा, तिवाड़ा तो नाम तो अच्छा कौन था, तिवाड़े आओ बोले फलाना दिखड़ा तिवाड़े। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा गांव है। ये मेरे पापा जी हैं। अच्छा, ये पापा जी हैं? ये मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा, तो भाई के मनोकामना पूर्ण हुई तारी? काम बढ़िया चलने लग गया, बस नौकरी तो मिली नहीं है, भगवान आते रहे तो नौकरी भी मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन यह ऑल इंडिया फेडरेशन कप खेल के आई है कलकत्ता, कबड्डी जी, कबड्डी ऑल इंडिया फेडरेशन कप खेल के आई भाई कबड्डी में और सिल्वर मेडल मिला, जोरदार तालियां एक बार। तो माला पर आके भगत जी का? अच्छा, माला पहनाओगे भगत जी ने? तो मैं निवेदन करूंगा महंत जी दिनेश जी से, सॉरी महंत जगदीश जी से आइए और एक बार स्वागत कर रहे हैं आपका माला पहना के। ये देखिए भाई, ये और मिठाई का डब्बा आयो मन दे दियो, मन मिठाई खाने का बहुत चाह है। तो यहां देखिए लोक प्रसार हरियाणा, ये मेडल है भाई चांदी सिल्वर मेडल, बहुत बढ़िया, एक बार फिर जोरदार तालियां बजा दो सिल्वर मेडल। और ये गुड़िया देखिए, नाम क्या है बेटा आपका, आगे आ जाओ थोड़ा, क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, तो कब से खेल रही है कबड्डी आप?
मैंने 5 से 6 साल हो गए। 5 से 6 साल हो गए, तो अब इंडिया की टीम में थे क्या? हाँ, हरियाणा की टीम में। हरियाणा की टीम में ऑल इंडिया फेडरेशन खेल के आई? हाँ, ऑल इंडिया फेडरेशन कप खेल के आई हूँ, कोलकाता। कोलकाता? हाँ, सेकंड पोजीशन। अच्छा, फर्स्ट कौन आया था उड़ा? झारखंड। झारखंड और हरियाणा ने झारखंड ने को लेडू पे तामी काल का मनोड़ा स्टेट से अपना हरियाणा भाई न्यू ना करो भी कसीर बोझ भी क्या बिल्कुल सोना लेके आना है। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अरदास लगा की जाइए सोने की। तो आप इनके पापा? अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? तो इधर कर बेटा, आदमपुर मंडी से, गौशाला के पीछे डानी है जी। अच्छा अच्छा, तो आपकी क्या मनोकामना पूर्ण हुई? मनोकामना यही पूर्ण हुई, दो लड़के मेरे जमा काम नहीं करया कर दे। अच्छा जी, और अभी भगवान शनिदेव महाराज की कृपा ऐसी बरसी जो मेरे लड़के अच्छे काम लग रहे हैं। अच्छा, मेरी घर में कलेश था वो निकल गया। अच्छा, कमाई में बरकत होने लग गया। अच्छा जी, ये मनोकामना बहुत है भगवान की कृपा से। तो क्या मिठाई उठी लाई है? मिठाई में सवामणि का लाई हूँ, लड्डू सवामणि लगाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 101 रुपया भाई महाराज जी को, मैं 101 रुपया लाई, माला तो है नहीं, 101 रुपया महाराज जी को चरणों में दिया मैंने। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई उरन देख ले, इनने किने देख लाया रे तू? यो मेडल मिला है, यो सर्टिफिकेट है। तो भाई ये भी कबड्डी? नहीं नहीं, ये थ्रोबॉल में। थ्रोबॉल में हैंडीकैप की जो थ्रोबॉल होती है उसमें यार जी लगा के गए थे, और यो भाई उसका तगमा है मलेशिया सिलेक्शन हो गई, मलेशिया टीम में, मलेशिया टीम में सिलेक्शन भी हो गया। हाँ जी, अच्छा, नाम क्या आपका? सुरेंद्र जी। कहाँ से हैं? तिवाड़ा से। तिवाड़ा से? हाँ जी। तिवाड़ा ले तो रोग कटन लगे भाई, तिवाड़ा ले के पाएगा मेरा को नहीं। रोज यही दया से। अच्छा, शनि शक्ति धामर जी लगाओ है, तिवाड़ा वाले एयर मेडल लिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए आज हम गर्व कर सकते हैं ऐसे, पैर नहीं, ये नहीं कहेंगे पैर नहीं है इनके, आज ये आसमान छू रहे हैं। और जोरदार तालियां भाई के लिए, जोरदार तालियां लगा दे भाई। रोहतक टीम में कल सिलेक्शन हो गया जी। अच्छा, रोहतक टीम में भी सिलेक्शन हो गया, और मलेशिया के लिए तैयारी होगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आइए मैं और बातें करवाता हूँ आप लोगों की, बहुत से वक्त गणाए हुए जो यहाँ स्टेज पे नहीं आना चाहते, मैं बाहर बात करवाऊंगा उनकी। बहुत सी माताओं बहनों की मनोकामना पूर्ण होती है, जो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहती, मंच पे ताओं के थे, तो उनसे भी बातें कराऊंगा आपकी। और देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, और लोक प्रसार हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि और कोई दुखी और कोई समस्या से घिरा हुआ व्यक्ति इसको देखे तो अपने कष्टों का निवारण करवा सके। जय हिंद, नमस्कार।